Hello students, in today's lecture we'll continue our discussion on about the universe. Okay, in previous lectures we have seen about various planets till Mars. Today we'll study about the next planet, which is Brihaspati or Jupiter. This is the Hindi name of this planet, okay? Brihaspati is the Hindi name of this planet, which is Jupiter, okay? If we talk about the order, it comes after Mars in our solar system, okay? Let's see some important points about this planet. It is the largest planet. इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम, है ना? ये सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, ओके? सन से बड़ा नहीं है फिर भी ये, ओके? प्लैनेट्स में बात की जा रही है. बृहस्पति इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, ओके? इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ ऑल द गैसियस सब्सटेंस, ओके? इट इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इट इज अ ओवियन प्लैनेट्स, ओके? इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ओवियन प्लैनेट्स ओनली, ओके? इट हैज 50 कन्फर्म्ड मून्स. And 17 unconfirmed. Okay, if we talk about the moons, it is 17 unconfirmed moons, 50 moons are confirmed. Okay, it means that they are surely existing around Jupiter. 50 natural satellites are confirmed around Jupiter. Okay, but 17 we are waiting to get them confirmed because the information is not completed, okay? So what we say is, if this moon gets confirmed, then Jupiter will have how many moons? If you add both of them, you will get 67 moons of Jupiter, all right? Largest number of moons. सबसे ज़्यादा जो मून्स हैं हमारे वो इसी के पास हैं. कौन से प्लैनेट के पास, कौन से ग्रह के पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, सबसे ज़्यादा मून है? इट इज़ आर द बिगेस्ट प्लैनेट विच इज जुपिटर, ओके? गैनीमीड इज द बिगेस्ट मून ऑफ जुपिटर, ओके? जुपिटर का जो सबसे बड़ा मून है उसका नाम क्या है? गैनीमीड, राइट? सो दिस वॉज इंफॉर्मेशन अबाउट जुपिटर. नेक्स्ट वी सी नेक्स्ट प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर कम्स सैटर्न. The Hindi name of this planet is Shani, okay? It is quite similar कंपोजिशन, शेप या साइज की बात करें तो इन दोनों की, हमारे सैटर्न और जुपिटर की जो कंपोजिशन, शेप और साइज है, ये सिमिलर है, ओके? सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट. सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, ऑलराइट?
द ओनली प्लैनेट जिसके पास जो उसके सराउंडिंग में है थ्री रिंग्स होती हैं, वो इकलौता ही प्लैनेट है हमारे पास जिसके अराउंड थ्री रिंग्स हैं। ओके बच्चों, ये इसका एक यूनिक फीचर है। ऑल दो साइज में ये जुपिटर से छोटा है ना, बट ये ही इकलौता प्लैनेट है जिसके अराउंड हमें रिंग्स देखने को मिलती हैं। ओके, ये टेलीस्कोप की मदद से अपन इन रिंग्स को देखे जा सकते हैं। राइट, इट हैज 53 कंफर्म्ड मून्स, माने कि इन 53 मून्स के अलावा और एंड 9 अनकन्फर्म्ड, इनके बारे में अभी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है इसलिए अपन इनको अनकन्फर्म्ड कैटेगरी में रखते हैं। अदरवाइज इसके 53 कंफर्म्ड मून्स हमें सैटेलाइट के देखने को मिलते हैं। ओके, टाइटन इज द बिगेस्ट सैटेलाइट, इन सब मून्स में से जो सबसे बड़ा मून है सैटर्न का, इट इज नोन एज टाइटन। राइट, सो दिस वॉज सम इंफॉर्मेशन अबाउट सैटर्न। नेक्स्ट वील सी द नेक्स्ट प्लैनेट विच कम्स इन टू आर सोलर सिस्टम इज यूरेनस। प्लैनेट का, इस ग्रह का हिंदी में नाम अरुण ग्रह है। ओके, अगर बात की जाए इसकी साइज की, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है ना। इन दी साइज के बारे में अगर अपन बात करें तो जुपिटर, सैटर्न और फिर यूरेनस आता है, सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। डायमीटर जो है 4 times अर्थ का, ओके, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट। Diameter is 4 times as that of Earth. Earth के comparison में जो हमारे Uranus का diameter है, okay, वो 4 times है। मतलब Uranus अपने अंदर 64 Earths को store करके रखता है। अगर size के बारे में बात की जाए तो Uranus के अंदर 64 अर्थ्स, जो अपने प्लैनेट है अर्थ, ऐसे 64 प्लैनेट्स इस प्लैनेट के अंदर समा सकते हैं। ओके, मीथेन जो है वो इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इस वजह से जो उसका एटमॉस्फेयर का कलर होता है वो थोड़ा ब्लूइश ग्रीन अपीरियंस हमें शो करता है। ओके, ट्वेंटी सेवन कंफर्म्ड मून्स हमें यूरेनस के देखने को मिलते हैं। ओके, इनमें से टाइटेनिया जो है इज द बिगेस्ट। ओके, जो टाइटेनिया है उसका नाम है मून, जो अरुण ग्रह का सबसे बड़ा मून है उसका नाम क्या रखा गया है, टाइटेनिया। ओके, अब लास्ट प्लैनेट अपन देखते हैं नेपच्यून। ओके,
लास्ट प्लैनेट जो अपने सन से सबसे ज्यादा दूरी पर है, इट इज नेपच्यून. ओके, इट इज द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. इसका हिंदी में ना जो नाम होता है बच्चों, इट इज वरुण. वरुण ग्रह कहा जाता है इसे हिंदी में. फार्देस्ट फ्रॉम सन एंड कैन बी सीन ओनली बाय अ टेलीस्कोप. ओके, टेलीस्कोप की सहायता से ही अपन नेपच्यून प्लैनेट को देख सकते हैं अर्थ से. ओके, नेम्ड आफ्टर रोमन सी गॉड. जो रोमन सी गॉड है नेपच्यून, उनके ऊपर इसका नाम रखा गया है. ओके, इसके 14 सैटेलाइट्स हैं. और उनमें जो सबसे बड़ा है, इट इज ट्राइटन. ओके, तो नेपच्यून के बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन थी बच्चों. ऑलराइट, 14 इसकी सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से 13 कन्फर्म्ड हैं और एक अनकन्फर्म्ड सैटेलाइट है. ऑलराइट, इनमें से जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है, जो सबसे बड़ा मून है हमारे पास नेपच्यून का, इट इज नोन एज ट्राइटन. ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे, ये सारे प्लैनेट्स के बारे में बात हुई है, अब अपन देखते हैं कॉमेट्स क्या होते हैं. ओके, कॉमेट्स आर ऑल्सो नोन एज हेरी स्टार्स. ओके, इनमें जो ये कॉमेट्स होते हैं बच्चों, ये भी सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, हमारे सन के अराउंड ये भी चक्कर लगाते हैं, जैसे कि हमारे सारे प्लैनेट्स हैं. ओके, अब इसके पास जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है प्लैनेट से कैसे डिफरेंट होता है वो देखेंगे अपन. सन की हीट को ये एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, इनके जो कंपोजिशन है उनके अंदर नाइट्रोजन और आइस का काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन होता है. तो जो जो छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो मेल्ट करने लग जाते हैं, आइस के साथ साथ थोड़ी सी डस्ट भी होती है. तो जब ये सन के आसपास जाते हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब करके जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो मेल्ट होने लग जाते हैं, और उसके पीछे एक बहुत ही लंबी सी एक हमें टेल देखने को मिलती है, जो कि बहुत अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स वो एक्सटेंड करती है. ऑलराइट, इसके अंदर कॉमेट्स की अगर बात की जाए तो ये भी सन के अराउंड मूव करते हैं. ओके, जैसे ही ये सन से दूर जाती है, ये जो टेल है डिसअपियर हो जाती है जब अपन टेलीस्कोप से इनको देखा जा सकता है. सबसे पहली बात तो इनको जब विजिबल होंगे तभी टेलीस्कोप्स के थ्रू ही होते हैं विजिबल, है ना. तो जैसे जैसे सन से दूर जाते हैं वैसे वैसे इनकी जो टेल है वो भी डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि ये जो हीट है वो कम होती जाती है जैसे जैसे ये सन से दूर जाएंगे. ओके, हेलीज कॉमेट है, सबसे पीरियोडिक कॉमेट इज हेलीज कॉमेट.
हेलीज कॉमेट इज द पीरियोडिक कॉमेट, HALL. Which is visible after every 76 years. Okay, every 76 years बाद इसे अपन देखे जा सकता है अर्थ से, right? जो हेलीज कॉमेट है बच्चों, ये एक फेमस कॉमेट इसलिए है क्योंकि ये अर्थ से बहुत ही इजीली विजिबल हो जाता है और हर 76 इयर्स के बाद ये अर्थ से गुजरता है, वापस दिखता है ये. लास्ट इसको देखा गया था 1986 में. ओके, अराउंड 1986 में इसको देखा गया था अपने हेलीस कॉमेट को. ओके, सो दिस वाज सम इंफॉर्मेशन अबाउट कॉमेट्स. नाउ लेट्स सी सम इंफॉर्मेशन अबाउट मीट्रियोस. ये भी एक छोटे छोटे प्लैनेट्स के जैसे ही होते हैं, छोटे छोटे प्लैनेटॉइड्स कहा जाता है इनको. अगर साइज के बारे में बात की जाए तो ये काफी छोटे होते हैं. ओके, ये भी सन की ग्रेविटेशन फोर्स के कारण उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं बच्चों. ओके, अगर इनके बारे में बात की जाए तो ये जब अर्थ के, है ना, आसपास से गुजर रहे होते हैं तब अर्थ की ग्रेविटी इनको खींचती है अपनी तरफ. ओके, अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब इसे अपनी तरफ खींचती है तब ये कुछ एक अपन को विजिबल हो जाते हैं, है ना. जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तब ये जो फ्रिक्शन, जो अपोजिशन ऑफर किया जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा, उसकी वजह से ये बर्न करने लग जाते हैं और एक ब्राइट ल्यूमिनस अपीयरेंस भी इनका होता है. तो इनको हम कभी कभी शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं ना, हेंस आर ऑल्सो नोन एज इफ दे रीच अर्थ्स सरफेस तब इन्हें अपन मीट्रियोइड्स के नाम से जानते हैं, है ना. मीटियोर्स जो कि अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाते हैं उनको मीट्रियोइड्स के नाम से जाना जाता है. एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज शूटिंग स्टार्स. टूटता तारा हिंदी में, ठीक है. दीज आर सम इंफॉर्मेशन अबाउट मीटियोर्स. ऑलराइट, फिर नेक्स्ट सी अबाउट आर नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ आर सोलर सिस्टम विच इज एस्ट्रॉइड्स. ये भी स्मॉल रॉकी सब्सटेंसेस ही होते हैं, है ना. अपने स्पेस के अंदर जो बेल्ट है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ओके,
मार्स और जुपिटर के बीच में जो ऑर्बिट है उनके बीच में ये हमें एस्ट्रॉइड की एक पूरी बेल्ट दिखाई देती है बच्चों, है ना, छोटे छोटे प्लैनेट्स प्लैनेटॉइड्स ही होते हैं ये भी, बहुत ही छोटे इनका स्ट्रक्चर होता है, ये भी सन के अराउंड रेवोल्यूशन करते हैं। ओके एक एस्ट्रॉइड बेल्ट फॉर्म करते हैं ये जो बेल्ट होती है ये पूरी ऑर्बिट में फैली हुई होती है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ओके इनमें से सबसे बड़े एस्ट्रॉइड की बात की जाए अगर वो 1000 किलोमीटर का डायमीटर है उसका, उसे सीरीज कहा जाता है। जो सीरीज है वो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है, इसका जो डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर्स के अराउंड है। ओके फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट, ये एस्ट्रॉइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन हुई, मीट्रोज अपन ने देखे, कॉमेट्स देखे, अब अपन देखते हैं सैटेलाइट्स क्या होते हैं बच्चों। ओके ये कैसे भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि किसी दूसरे हेवनली ऑब्जेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जो कि यूजुअली प्लैनेट्स होते हैं बच्चों। ओके प्लैनेट्स के अराउंड अपनी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते हैं। ओके हमने देखा इससे पहले जब हम प्लैनेट्स की स्टडी कर रहे थे तब बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में अपन ने इंफॉर्मेशन देखी, अर्थ के पास केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है बच्चों विच इज मून। ओके तो अपन इसके दो टाइप्स भी देख लेते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट विच आर नॉट मैन मेड, ऐसे सैटेलाइट जो कि मैन मेड नहीं है वो नेचुरली अकर करते हैं। ओके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड, इनको ह्यूमंस ने डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से आपके सन के अराउंड अपने अर्थ के अराउंड ये रिवॉल्व करते हैं अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। ओके जुपिटर का जो गैनीमीड है ना, पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है विच इज गैनीमीड, ये किसका है, हमारे जुपिटर का, क्योंकि जुपिटर भी सबसे बड़ा ग्रह है तो इसके जो मून है वो भी सबसे बड़ा है विच इज गैनीमीड। ओके फिर इसके अलावा कई सारे सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो कि इंडिया ने भी लॉन्च करी हैं, आर्यभट्ट जो थी हमारी सबसे पहली सैटेलाइट थी बच्चों, है ना, और भी कई सारे कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स अपनी स्पेस में लॉन्च कर चुके हैं। ओके अब इनका काम क्या होता है वो अपन देखेंगे। जो सैटेलाइट्स हैं बेसिकली सारी सैटेलाइट्स रिमोट सेंसिंग के मेजरली काम आती हैं, है ना, कम्युनिकेशन के भी काम आती हैं, रिमोट सेंसिंग के भी काम आती हैं, कभी कभार ये सैटेलाइट स्पाइंग पर्पस के भी काम आती है बच्चों। ओके तो इनके अपने आप में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं इनके काफी सारे यूजेस अपन देख सकते हैं, है ना, वेदर फोरकास्टिंग में भी ये काम आती है। ओके अब अपन देखेंगे लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स के बारे में, ये कुछ नेचुरल फिनोमिनन्स हैं, कुछ ब्यूटीफुल अपने आसपास होने वाले
चीजें हैं जो कि अर्थ से काफी इजीली विजिबल होती हैं, तो अब अपन एक्लिप्स किसकी बात करेंगे। ऑल राइट, लूनर एक्लिप्स कब होता है सबसे पहले वो देखेंगे। इसको हिंदी में चंद्रग्रहण कहा जाता है ना। सोलर एक्लिप्स को हिंदी में सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ओके, लूनर एक्लिप्स की अगर बात करें तो इट हैपेंस व्हेन सन, सॉरी, इट हैपेंस व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन सन और मून के बीच में से। जब अर्थ पास होती है तब अर्थ की शैडो जो है वो मून के ऊपर पड़ती है और मून जो है वो कुछ टाइम के लिए हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए अपन ने उसको लूनर एक्लिप्स के नाम से जाना बच्चों। ओके, देखते हैं। जैसे सपोज ये सन है हमारा, ओके, दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून, ओके, सबसे छोटा। तो जो सनलाइट है अर्थ की शैडो अब की बार पड़ेगी मून पर, और हम जानते हैं मून खुद की लाइट एमिट नहीं कर पाता है ना, तो इसकी शैडो के रीजन में जब मून आएगा तभी हमें विजिबल नहीं होगा। दिस इज मून, ओके। तो यहां पे ये जो रीजन है ये अर्थ की शैडो में पड़ेगा, अर्थ की छाए, अर्थ की जो शैडो है छाया सन के सामने आने पर, जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में से पास होगी तब अर्थ की जो शैडो है वो मून के ऊपर पड़ती है और इस वजह से मून जो है वो थोड़े टाइम के लिए हमें विजिबल नहीं होता। दिस फिनोमेनन इज नोन एज लूनर एक्लिप्स। ओके, ये एवरी ईयर 2 या 3 times होता है। और अर्थ के सारे पोर्शन से विजिबल नहीं होता, ये कुछ एक पार्ट से ही हमें विजिबल होता है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये विजिबल नहीं होता, कुछ एक रीजन से ही ये हमें विजिबल हो पाता है। ओके, नेक्स्ट एक और एक्लिप्स देखेंगे अपन, इच इज नोन एज सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। ये कब होता है? जब अर्थ से और सन के बीच में से मून पास होता है। ओके बच्चों, देखते हैं। जैसे सपोज दिस इज सन, दिस इज आर मून एंड दिस इज अर्थ, थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। तो देखो ये वाला जो रीजन है, यहां से सनलाइट आ रही है, इतने इतने रीजन में तो विजिबल होगा है ना सन, बट ये कुछ रीजन होगा जहां पर मून की शैडो पड़ेगी। ओके, एक पोर्शन ऐसा होगा ना अर्थ का जहां पर, दिस इज अर्थ, दिस इज मून। ओके, व्हेन द शैडो ऑफ मून्स, जो अपना मून है उसकी शैडो जब अर्थ पे पड़ती है, जब वो बीच में से गुजरता है आपके सन और अर्थ के बीच में से मून गुजरता है, तब अर्थ से देखे जाने पर, इस पोर्शन में जब अपन अर्थ से देखेंगे तब हमें ऐसा लगेगा कि मून ने सन को कवर कर लिया है। ओके, वैसे तो ऑल्दो देखा जाए मून की साइज काफी छोटी है, बट क्योंकि ये अर्थ से बहुत पास में है इसलिए अपन को ऐसा लगता है कि अर्थ के द्वारा देखे, अर्थ से देखे जाने पर ऐसा अपियर होता है कि मून ने जो है वो सन को कवर कर लिया है, एक्लिप्स कर दिया है, उसे ग्रहण लगा दिया है। इस पर्टिकुलर रीजन में ही ये विजिबल होगा है ना, और यहां पर एक पर्टिकुलर शैडो पड़ेगी मून की जिसकी वजह से हमें सन विजिबल नहीं होगा। ओके, सो दिस वॉज अबाउट सोलर एक्लिप्स। अच्छा, एक छोटी सी पोर्शन में यहां पे और यहां पे ये जो रीजन्स हैं है ना,
सन की एक छोटी सी रिंग भी दिखाई देती है मून के अराउंड. ओके, तो कोई पार्शियल एक्लिप्स भी होते हैं, कोई कंप्लीट एक्लिप्स भी होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द वेरियस प्लैनेट्स. ओके, चलो, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. ऑल राइट, सो इस चैप्टर में अपन ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में देखा. अपन ने सबसे पहले प्लैनेट्स के बारे में जाना, फिर कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, बेसिकली आपका जो यूनिवर्स है उसकी क्या थ्योरी थी, स्टार्स क्या होते हैं, सन क्या होता है, ये अपन ने इस लेक्चर में देखा. ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू एवरीवन.